अपना मैग्निफिशेंट लॉ फर्म आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टम्स सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड सो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mulein to serve summons on a man called Orville Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. कह रहा है कि ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एक बहुत शानदार बहुत बढ़िया लॉ फर्म में असिस्टेंट क्लर्क बन गया, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना. कहाँ बना? लॉ फर्म में. आई वाज सेंट. लॉ फर्म क्या होती है? लॉ फर्म क्या होती है? वहां पर एक फर्म होती है जिसमें बहुत सारे वकील होते हैं, ठीक. और वो वकील किसी भी क्लाइंट के लिए केसेस लड़ते हैं, ठीक. आई वाज तो वो उस लॉ फॉर्म में क्या बना? एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना, नरेटर, ठीक. और कब बना? ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद. आई वाज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स. अब मुझे भेजा जाता था या भेजा गया, ठीक है, भेजा जाता था या भेजा गया था. किस लिए भेजा गया था? टू सर्व समन्स, समन्स पेश करने के लिए. समन्स क्या होते हैं? किसी को बुलाया जाता है, ठीक है. समन्स क्या होते हैं? समन्स को भेजकर आप किसी के पास समन्स लेके जाते हैं तो उसको बुलाया जाता है पेश होने के लिए कोर्ट में, ठीक. तो मुझे भेजा जाता था किस लिए? समन्स सर्व करने के लिए. मैं लोगों को जाकर समन्स देता था और उन लोगों को पेश होना होता था कोर्ट वगैरह. तो नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स. और मुझे इसलिए नहीं भेजते थे कि मुझे लीगल ब्रीफ तैयार करनी है, ठीक है, मुझे केस तैयार करना है, केस के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, इसलिए नहीं भेजते थे. सिर्फ लोगों को बुलाने के लिए भेजते थे. जैसे किसी सस्ते से प्राइवेट डिटेक्टिव को भेजा जाता है. और मैं क्या था? मैंने ग्रेजुएशन की थी ऑनर्स के साथ में ना, और काम क्या करता था मैं सिर्फ समन्स पेश करता था ले जाकर के. जैसे कोई घटिया सस्ता डिटेक्टिव होता है, प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, वो काम मैं मुझे करना होता था. आई हैड टू गो डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी. तो शहर के मुझे गंदे इलाकों में जाना होता था, ठीक है. शेडोई कॉर्नर्स जहाँ पे क्राइम्स होते थे, घटिया जगहें होती थी, वहाँ पर मुझे जाना होता था. टू सीक आउट माई विक्टिम्स. किस लिए जाना होता था? अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए, अपने पीड़ितों को, अपने शिकार को ढूंढने के लिए, पीड़ितों को ढूंढने के लिए जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होता था. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप, ठीक है. अब विक्टिम का मतलब दूसरा भी हो सकता है यहाँ पे. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वकील है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी पर कोई क्रिमिनल केस हो गया, अब उसको पेश होना है कोर्ट में, तो उसको सम्मन देने के लिए जाता था ये, ठीक. अब उसको कोर्ट में पेश होना है किस लिए? सजा के लिए. उसको कोर्ट में पेश होगा, उसको मुकदमा चलेगा और उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी. तो ये उनको बुलाने के लिए जाता था नरेटर. तो वो जिसको भी बुलाने के लिए जाएगा वो, तो इन अ सेंस इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जिसको भी बुलाने जाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी आगे जाकर के. उसके ऊपर मुकदमा होगा, उसके बाद केस चलेगा, फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी. वो क्या हो गया? जिसको भी जिसके पास भी जाएगा सामान लेकर के, वो उसका विक्टिम हो गया, ठीक है. ये कह रहा है कि एक मैं शहर की गंदी जगह पर जाता था, शेडो की जगह पर जाता था, ठीक है. और किस लिए जाता था? ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए. किसको? अपने विक्टिम्स को, अपने शिकार को. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बेट मी अप. वो कह रहा है कि कुछ विक्टिम्स जो
ज्यादा बड़े होते थे, भारी भरकम होते थे, ठीक है, और उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंट होता था पेपर, वो मुझे पीट भी दिया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि आप किसी के पास जाओगे उससे कहने के लिए कि तुम्हें कोर्ट जाना है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, तुम कोर्ट जाओ, तुम्हें सजा मिल सकती है, तो कुछ होंगे जो मतलब भारी भरकम लोग होते होंगे, गुंडे टाइप के लोग होते होंगे, वो उसको पीट भी दिया करते होंगे वकील को। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क, ये वकील कह रहा है कि मुझे ये मतलब अनप्लेजेंट दुखद काम पसंद नहीं था। प्लेजेंट होता है सुखद, अनप्लेजेंट हो गया जो पसंद ना आए आपको। मैं इस अनप्लेजेंट काम से बहुत घृणा करता था, मैं घृणा करता था इस काम से जो मैं कर रहा था, समन सर्व करने के लोगों, ठीक है, लोगों तक। एंड द साइड ऑफ द सिटी, इन द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील टू मी। और जिस काम से मैं शहर में जाता था लोगों को सम्मान देने के लिए, तो सिटी लाइफ का जो पहलू मेरे सामने आता था, जो जो पक्ष मुझे दिखाई पड़ता था, जो साइड मुझे सिटी लाइफ की दिखाई पड़ती थी, वो मुझे पसंद नहीं थी, है ना। जैसे हम फॉर एग्जांपल दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के, ठीक, तो हमारी नजरों में इसकी इमेज क्या है कि बढ़िया बढ़िया इमारतें, साफ सुथरी सड़कें, मेट्रो, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट, अच्छे रेस्टोरेंट्स, ये हमारी नजरों में इमेज है इन शहरों की, है ना। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज बेंगलोर में, मुंबई में फिल्म सिटी है, फिल्म इंडस्ट्री है ना, बीच हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ का सुंदर सा बीच दिखाई पड़ता है जब हम सोचते हैं मुंबई के बारे में, दिल्ली के बारे में और बेंगलोर के बारे में, तो ये सब अच्छी अच्छी चीजें हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसा इंसान जो क्रिमिनल्स को पकड़ने में लगा हुआ है, ठीक है, वो क्रिमिनल्स के पास जाता है, उनको समन सर्व करता है, तो उसको शहर का जो गंदगी है वो दिखाई देती है, जो उसका गंदा पहलू है शहर का, जो उसकी गंदी साइड है शहर की, वो दिखाई पड़ती है। आप जाओगे, ठीक है, आप कार से गए, है ना, दिल्ली गए, मुंबई गए, बस मतलब ट्रेन से या प्लेन से गए, गए आप अच्छे से रेस्टोरेंट में ठहरे आप वहां पर, आपने को मजा किया और आ गए, तो आपके लिए तो मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर बड़ी बढ़िया सिटीज है ना, एकदम लग्जूरियस सिटीज है, बढ़िया मजा आता है वहां पर। लेकिन जो क्राइम क्रिमिनल्स को पकड़ने में इन्वॉल्व है, उनको समन सर्व करने में इन्वॉल्व है, तो वहाँ के जो गंदे लोगों को देखता होगा, वहाँ की गंदगी को देखता होगा, ठीक है, क्राइम्स को देखता होगा, तो उसको वो चीजें पसंद नहीं आती थी। तो यही कह रहा है कि आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, मतलब मैं नफरत करता था अपने काम काम से, और इस काम की वजह से मेरे सामने शहर का जो गंदा पहलू सामने आता था, उस गंदे पहलू से भी मैं नफरत करता था। I even considered fleeing to my hometown. वो कह रहा है कि मैंने यहाँ तक सोचा कि मैं अपने घर भाग जाऊँ, जिस शहर का हूँ मैं उस शहर भाग जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल कोई मुरादाबाद का व्यक्ति है, वो बेंगलोर या दिल्ली में जाके जॉब कर रहा है इस तरह की, ठीक है, तो वो सोच रहा है कि मैं अपने शहर ही भाग जाता हूँ इस गंदगी से बच के, तो जो मुंबई की, दिल्ली की, बेंगलोर की गंदगी है, तो दूर भाग जाता हूँ, अपने शहर वापस भाग जाता हूँ। Where I could have been a real lawyer, वहां पर मैं कम से कम एक असली वकील तो बन सकता हूँ, या तो मैं कोई केस वेस नहीं लड़ता, या तो मुझे जाना पड़ता है समन लेकर के पोस्टमैन के ना, एक घटिया डिटेक्टिव के जाना, तो कम से कम मैं जब अपने शहर जाऊंगा, छोटा सा शहर है मेरा, कम से कम मुझे वहां पर एक वकील का काम तो मिल जाएगा, ये पोस्टमैन गिरी तो निकलनी पड़ेगी मुझे, तो ये सोच रहा था। आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। तो ये जो गंदा सा ट्रेनिंग पीरियड में जिस मतलब मैं पूरा कर रहा था, इस मैं गंदे से ट्रेनिंग पीरियड से बचाऊंगा और वकील बन जाऊंगा अपने शहर में जाकर। आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री। यहाँ कंट्री का मतलब है देहात, ग्रामीण इलाका, गांव का इलाका, ठीक है। तो एक दिन मैं बहुत बहुत खुश हुआ, बड़ा आनंदमय हो गया मैं एक दिन, व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री। कब हुआ मैं आनंदमय? जब उन लोगों ने मुझे देहात में भेजा, अंदर देहात में, कहाँ, 40 miles दूर, देहात के अंदर, शहर से दूर, ठीक है, कंट्री साइड में, टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन। उस देहात में एक टाउन होता था, ठीक है, उस टाउन का नाम था न्यू मुलियन, एक कस्बा था, उस कस्बे का नाम था न्यू मुलियन। टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लिटकिंस। तो मुझे समन पेश करना था, यानी कि कोर्ट का बुलावा देना था एक आदमी को, उसका नाम था ओलिवर लिटकिंस। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। हमें इस आदमी की तलाश थी एक केस में, एंड ही हैड इग्नोर्ड
ऑल आर लेटर्स, और उस आदमी ने, हमने जितने भी इस आदमी को लेटर्स भेजे थे उसने हर लेटर्स को इग्नोर कर दिया था, मतलब किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया था। श्रेयांश पढ़िए। When I go to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its street was a river of mud, with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful, and thick about the middle. His working clothes were dirty and well-worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. I told him to find a man named Oliver Lutkins. Aur padhna hai sir abhi? No, let me explain first. Abhi padhna. When I got to New Mullion, wo keh raha hai ki jab main pahunch gaya wahan par, us kasbe mein, New Mullion mein, तो मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे उम्मीद थी, है ना, बहुत उत्सुक था, बहुत उतावला था मैं ये सोचकर। ऑफ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज, मैंने सोचा था कि बड़ा बढ़िया सा प्यारा सा, है ना, देहाती गांव होगा, देहात का गांव होगा, कोई बढ़िया सा, है ना, स्वीट से लोग होंगे, अच्छे से पेड़ पौधे होंगे, अच्छी सी सीनरी होगी वहाँ की, बढ़िया मजा आएगा, ये सोचा था मैंने। मैं बहुत ईगर था इस बात को लेकर, मुझे उम्मीद थी। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी है उस जगह को लेकर के, है ना, आप किसी जगह के बारे में सुने हैं ना, कोई गांव है अंदर जा करके पहाड़ों के बीच में, आप वहां पर जाएंगे तो आप थोड़ा सोच रहे हो कि कितना मजा आएगा वहां जाकर, कितना अच्छा माहौल होगा गांव का, सीधे साधे लोग होंगे, ठीक है। तो मेरी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी उस गाँव को लेकर के, न्यू मुलियन को लेकर के, वो सारी एक्सपेक्टेशन मेरी ब्रेक हो गई, ठीक है, वो शैटर हो गई मेरी एक्सपेक्टेशन। मैं मतलब डिसअपॉइंट हो गया। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड। अब वहां पे जो गलियां थी उस गांव में वो कीचड़ से भरी हुई थी, विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और वहां पर लाइन से लकड़ी की दुकानें लगी हुई थी, वुडन शॉप्स, लकड़ी की बनी हुई दुकानें थी वहां पर, इधर पेंटेड और सोल ब्राउन, और उन पर या तो मतलब ब्राउन कलर था उन पर, ठीक है, ब्राउन रंग हो रखा था उन पर, अब बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और यह उनका पेंट ही नहीं था, या तो ब्राउन था, ठीक है, या फिर कोई पेंट ही नहीं था उनके ऊपर, उन दुकानों पर, लकड़ी की दुकान, जो लकड़ी की बनी हुई दुकानें। द ओनली अग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। और उस जगह, उस गांव में जहां पर मैं गया था न्यू मुलियन में, वहां पर सिर्फ एक ही चीज देखने में अच्छी थी। अग्रीएबल साइट का मतलब देखने में अच्छी, अच्छा नजारा, समथिंग गुड टू लुक एट। अग्रीबल साइड का मतलब समथिंग गुड टू लुक एट, जिसको देखने में अच्छा लगे। तो इकलौती चीज जिसको देखकर अच्छा लगा था वो क्या था, वहां का डिलीवरी मैन, जो स्टेशन पर डिलीवरी मैन खड़ा हुआ था, बस वही थोड़ा सा अच्छा लगा देखने में, बाकी सब बेकार लगा। ही वाज अबाउट 40, लगभग 40 साल का था, लाल चेहरा था, खुश मिजाज था, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल, और बीच में से मोटा था, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उसका उसकी टोन निकली हुई थी, मोटा था वो। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी, और उसके जो काम के कपड़े पहने हुए था वो गंदे थे। वेल वॉर्न, और देखकर लग रहा था कि उन कपड़ों को उसने बहुत इस्तेमाल कर रखा है, घिसे हुए थे उसके कपड़े। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और उसका जो व्यवहार था वो मित्र जैसा था, दोस्त जैसा, लाइक अ फ्रेंड। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, और आप उसको देख करके आपको एकदम से महसूस हो जाता था, ठीक है, आप जब उसको देखते हैं तो आप उसको एकदम से महसूस होता आपको कि ये लोगों को पसंद करता है, ये जो डिलीवरी मैन है ये लोगों को लाइक करता है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ओलिवर लुटकिंस लुटकिंस नाम के एक आदमी की तलाश है, मुझे वो आदमी चाहिए।
तो उसने उस डिलीवरी मैन से कहा कि मुझे तलाश है ओलिवर लिटकिंस नाम के आदमी की, ये आगे पढ़िए। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though. Always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of the spritz shop. I will tell you, boy. Is there any hurry about locating Lutkins? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. I will tell you what, I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkin. I know most of the places he hangs out. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his good kindness was real. I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. He remarked, "Well, young man, here's a carriage," and white smile made me into an old friend. The villagers are so ready to help a stranger. He has already made it own task to find Oliver Lutkins for me. तो मैंने उससे कहा डिलीवरी मैन से कि मुझे एक आदमी की तलाश है, उसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। तो उसने कहा लुटकिंस, उस डिलीवरी मैन ने कहा लुटकिंस, तो कहा यही तो देखा था मैंने 1 घंटा पहले उसको। तो हालांकि उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, हार्ट फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में लगा रहता है, किसी ना किसी फिराक में लगा रहता है। ये बता रहा है डिलीवरी मैन लटकिन के बारे में। ही इज प्रोबब्ली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फिट्स शॉप। वो बोला डिलीवरी मैन कि शायद वो अब इस वक्त पोकर गेम होता है, पोकर गेम शुरू कार्ड का गेम होता है, कार्ड्स का। तो वो कह रहा है कि शायद वो इस वक्त पोकर गेम स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा, कहां पर, फिट्स की दुकान के पीछे। I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? तो बोला मैं आपको बता देता हूँ सर, क्या कोई जल्दी तो नहीं है आपको उसको ढूंढने में? तो मैं बोला उससे, yes, I want to catch the afternoon train back to the city. हाँ, मुझे जल्दी है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी मिलना है उससे, मुझे दोपहर की ट्रेन पकड़ के वापस जाना है शहर को। I was very important and secret about it. और मैं बहुत अपना इम्पोर्टेंस दिखा रहा था, ठीक है, और ये बात कहते वक्त, और इस बात को लेकर के मैं बहुत सीक्रेसी दिखा रहा था उसको, डिलीवरी मैन को, कि बहुत खुफिया बात है। मैंने वो बोला आई टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक। तो बोला कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरे पास में एक हैक है, ठीक है, एक गाड़ी है मेरे पास में, ओके, मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर, और हम साथ में घूम लेते हैं गाड़ी में बैठ करके, एंड फाइंड लटकेंस और लटकेंस को ढूंढ लेते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, और मैं ज्यादातर जगहों को जानता हूँ जहां जहां पे लटकेंस जाता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. मतलब वो इतना ज्यादा फ्रेंडली था वो ड्राइवर कि मेरा चेहरा चमक गया, इससे वार्म्थ होता ना, एक गर्मजोशी, एक अच्छा व्यवहार की वजह से आपके मन में अच्छी सी फीलिंग आती है, उससे मैं चमक उठा। उसका जो अफेक्शन था, उसका जो प्यार था उसको देख करके, ठीक है, उसका जो लगाव, उसका जो स्नेह था उस गाड़ी वाले का, उसको देख करके मैं चमक उठा। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। हालांकि मैं जानता था, मैं बेशक जानता था कि उसको बिजनेस चाहिए, भाई मैं उसकी गाड़ी में बैठूंगा तो उसको किराया मिलेगा उसकी गाड़ी का, की कमाई होगी, तो उसको बिजनेस चाहिए, मैं जानता था। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, लेकिन वो जो दयालुता दिखा रहा था, वो जो काइंडनेस दिखा रहा था मुझे, वो सच्ची थी। आई वाज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। तो मैं, मुझे खुशी थी कि
किराए का पैसा इस आदमी के पास जाएगा, इस अच्छे इंसान के पास जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको घूमना है कहीं पे, तो ना ट्रैवल करना है, तो एक तो आप किसी भी ड्राइवर के साथ किसी भी ड्राइवर की गाड़ी में बैठ करके जाएंगे, नो प्रॉब्लम, जा सकते हैं आप। लेकिन एक ड्राइवर जो है वो बहुत अच्छे व्यवहार वाला है, सबसे बड़े प्यार से बात करता है ना, तो उसकी गाड़ी में बैठ कर जाने में आपको अच्छा लगेगा, आप सोचोगे कि अच्छे आदमी के पास मेरा पैसा जा रहा है, आप थोड़ा सा और अच्छा फील करोगे कि मेरा पैसा अच्छे आदमी की जेब में जा रहा है। तो यही उसने सोचा नरेटर ने कि मुझे खुशी थी कि मेरे किराए का जो पैसा है वो एक अच्छे इंसान की जेब में जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, तो मैंने उससे मोल भाव किया कि भैया कितने पैसे लोगे, तो उसने जितने पैसे मांगे, मान लिए उसने $12 मांगे, मैंने कहा नहीं भैया मैं $10 दूंगा एक घंटे के, तो मैंने मैंने $2 कम भी करवा दिए। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस अ नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, और फिर वो अपने घर से लेकर के आया एक बड़ा सा बॉक्स। जो गाड़ी लेकर आया वो गाड़ी देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि पहियों के बाद उसने कोई बड़ा सा बॉक्स रख दिया हो। ही रिमार्क, तो बोला वो डिलीवरी मैन बोला, वेल यंग मैन हियर इज द कैरेज, ये रहा तांगा हमारा, ये रही गाड़ी। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और उसकी जो बड़ी सी मुस्कान थी उसके चेहरे पे, डिलीवरी मैन के चेहरे पर जो बड़ी सी मुस्कान थी, ठीक है, उस मुस्कान ने मुझे उसका एक पुराना दोस्त बना दिया। मतलब हम ऐसे हो गए जैसे हम पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं। These villagers are so ready to help a stranger. तो मैंने मन में सोचा कि जो गांव के लोग हैं ये ओलिवर कौन सा गांव है, क्या नाम था इसका गांव का, न्यू मिलियन, हाँ, इस गांव के जो लोग हैं, ठीक है, वो कितने तैयार हैं मदद करने के लिए एक अजनबी इंसान की। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. देखो तो उसने मतलब काम तो मेरा था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का, और वो उसने उस काम को अपना काम बना लिया, ओन टास्क, अपना काम बना लिया उसको ढूंढने का ओलिवर लुटकिंस को। कितना अच्छा आदमी है, कितने अच्छे लोग हैं आगे गांव के, अजनबी की मदद करते हैं। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. वो बोला, ड्राइवर बोला कि मैं आपके मामले में टांग तो अड़ाना नहीं चाहता, यंग फेलो, मैं आपके भाई साहब, मैं आपके काम में टांग अड़ाना तो नहीं चाहता हूँ, मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लुटकिन से कुछ पैसे वैसे चाहिए होंगे, आपको कुछ पैसे निकल रहे होंगे उसके ऊपर। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, वो बोला लुटकिन किसी को एक पाई नहीं देता, किसी को एक पैसा तक नहीं देता। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम, I was fool. हाँ, तो बोला कि अभी तक उसको एक पोकर गेम हार गया था, उससे उसकी तरफ मेरे 50 सेंट निकल रहे हैं और उसने अभी तक नहीं दिए वो पैसे मुझे। I was fool. Enough to play with him. बोला कि मैं देखो मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि मैं उसके साथ गेम खेला मैं और उसने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए वो जो गेम में वो मुझसे हारा था पोकर गेम में कार्ड के गेम में। He is not really bad. वो मतलब बुरा तो नहीं है, बुरा इंसान नहीं है वो, but it's hard to make him part with his money. लेकिन उससे उसका उससे पैसे लेना बहुत मुश्किल काम है, उसकी जेब से एक पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है। इंसान बुरा नहीं है लेकिन पैसा एक पाई नहीं निकालेगा वो अपने पास से, अपनी जेब से। If you try to collect from him in those fancy clothes, or he'll be suspicious and get away from you. वो बोला अगर आप अपने इन कपड़ों में, जो कपड़े आप पहन रहे हैं भाई साहब, ये वकील वकील मतलब जो भी कपड़े पहन रहा होगा, नए नए कपड़े पहन रहा होगा वो, ठीक है, बोला अगर आप इन कपड़ों में उससे पैसा लेने की कोशिश करेंगे तो उसको शक हो जाएगा आप पर और वो आपको देख करके भाग जाएगा। इफ यू वॉन्ट आई विल गो इनटू फिट्स एंड आस्क फॉर हिम, अगर आप चाहते हैं तो मैं फिट्स की दुकान में जाऊंगा और मैं उसके बारे में पता कर लूंगा कि कहाँ है लिटकिन, कहाँ है, पता कर लूंगा वहाँ पर जाकर उसके बारे में पूछताछ कर लूंगा। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और आप यहाँ बैठे रहिएगा, मेरे पीछे पीछे बैठे रहिएगा, आप उसको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे और वो होगा तो मैं आपको ले जाऊंगा उसके पास तक, क्योंकि आपको देखकर तो भाग जाएगा वो। यस, श्रेयांश,
हेलो, गौरी आप पढ़ लीजिए। हेलो, हेलो सर। सर मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लूंगा सर, 1 मिनट किसी और से करवा लीजिए। बेटा आप दोबारा बोलिए, आपकी आवाज आ जाएगी। सर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लूंगा मैं। अच्छा, गौरी आप पढ़ लीजिए। हेलो, आप दिन से पढ़ रहे हैं। I loved him for this. By myself, I might never have found Lutkins with the head driver's knowing help. I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. The driver listened. Earnestly, at the end, he hit me on the shoulder and laughed. "Well, we'll give Brother Lutkins a little surprise. Let's start, driver. Most folks around here call me Bill or Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Carting and Hacking. All right, Bill, shall we proceed to Fritz? Yes, Lutkins is just as likely to be there. As anywhere, likely to be there Likely as to be anywhere. there as anywhere. Plays a lot of poker. He's good at deceiving people. Bill seemed to admire Lutkin's talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. Enough. तो हमने ऊपर पढ़ा था कि उसने कहा कि मैं फिट्स की दुकान में जाऊंगा और पूछ लूंगा कि वो है या नहीं। आप मत जाना क्योंकि हो सकता है आपको देख करके भाग जाए। आई लव हिम फॉर दिस। तो नरेटर कह रहा है कि वो मुझे इस बात के लिए, मुझे उस पर बड़ा प्रेम आया। उसका प्रेम आया ड्राइवर पर, मतलब वो खुद जाने को तैयार था ढूंढने के लिए उसको। इस बात पर मुझे बड़ा प्रेम आया उस पर। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लिटकिंस। वो बोला, नरेटर कह रहा है कि मैं खुद तो उसको ढूंढने से रहा, मैं उसको खुद नहीं ढूंढ पाता लिटकिंस को। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वाज श्योर ऑफ गेटिंग माय मैन। और इस गाड़ी वाले की हेल्प से, जो जानता है उसको इतना अच्छे से जानता है, उसकी हेल्प से मुझे विश्वास था, मुझे पक्का था कि मैं उसको पकड़ लूंगा, लुटकिंस को तक पहुंच जाऊंगा। आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वांट टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस। तो मैंने उसको कॉन्फिडेंस लिया। कॉन्फिडेंस का मतलब, मैंने उससे कहा कि एक सीक्रेट बात है और तुम पे भरोसा कर रहा हूं मैं, ठीक है, और तुम किसी को बताना मत। और मैं लुटकिंस को समन सर्व करने के लिए आया हूँ, मतलब कोर्ट में पेश होने का बुलावा देने के लिए आया हूँ मैं लुटकिंस को। दैट द मैन हैड रिफ्यूज्ड टू बी अ विटनेस। और लुटकिंस ने गवाह बनने से इनकार कर दिया था। व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस। और अगर वो जो इंफॉर्मेशन लुटकिंस के पास में है, अगर वो इंफॉर्मेशन वो हमारी लॉ फर्म को दे दे, गवाही दे दे आकर के, तो हमारा केस निबट जाएगा। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली। जो ड्राइवर था उसने बड़े ध्यान से सुना। एंड एंड में ही हिट मी ऑन द शोल्डर। उसने मेरे कांधे पे हाथ मारा, जोर से हाथ मारा, एंड लाफ और हंसा, जोर से हंसा। वेल वी विल गिव ब्रदर लिटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। तो वो बोला कि हम लिटकिन भाई को आज चकित कर देंगे, चौंका देंगे, आज थोड़ा सा हम चौंका देंगे लिटकिन भाई को। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। तो मैं बोला ड्राइवर से, ड्राइवर भैया स्टार्ट करिए। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नूसन।
तो ड्राइवर भैया बोले कि यहाँ पर ज्यादातर लोग मुझे बिल कहते हैं या मैग्नीशन कहते हैं, और मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नीशन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ये मेरे व्यापार का नाम है, जो मैं गाड़ी चलाता हूँ मेरे व्यापार का नाम है ये विलियम मैग्नीशन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स? तो बोला ठीक है बिल, चले फिर हम फ्रिट्स की दुकान पे, फ्रिट्स की दुकान पे चलते हैं। तो बोला यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर एज एनीवेयर। तो बोला कि जितने चांसेस लुटकिंस की कहीं और होने के हैं, उतने ही चांसेस उसके फ्रिट्स की दुकान पर होने के हैं। क्यों? प्ले द लॉर्ड ऑफ पोकर, क्योंकि पोकर बहुत खेलता है वो। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, और लोगों को धोखा देने में माहिर है, बढ़िया है, अच्छे से जानता है लोगों को धोखा देना। बिल सीम टू एडमायर लटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। और बिल को देखकर लग रहा था, ये जो ड्राइवर था उसका नाम बिल है ना, आपने पढ़ा है अभी, तो जो बिल है उसको देखकर लग रहा था उसकी बातों से कि वो लुटकिंस को पसंद करता है बहुत। उसका जो टैलेंट है ना बेईमानी करने का, लुटकिंस का लोगों को चकमा देने का, बेईमानी करने का जो टैलेंट है लुटकिंस का, वो उसकी इस टैलेंट को बड़ा पसंद करता है बिल, उसकी बातों से लग रहा था। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन मैन, मुझे लगा, नरेटर कह रहा है, मुझे लगा कि अगर ये बिल यानी कि गाड़ी वाला डिलीवरी मैन, अगर ये एक पुलिस वाला होता तो लुटकिंस को अगर ये पकड़ता, गिरफ्तार करता, तो बड़े सम्मान के साथ गिरफ्तार करता, ठीक है, और इसको जेल में भी डालता तो बड़े दुख के साथ डालता, कि उसकी बातों से लग रहा था कि वो लुटकिंस के टैलेंट को पसंद करता है बेईमानी वाले। तो श्रेयांश, बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स। Well led me into Fritz. Have you seen Oliver's lurking around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. Fritz looked at me, hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he's so iska aage ka likha hai, dikh nahi raha. Sir? हेलो, सर गैस ही इसके आगे क्या लिखा है दिख नहीं रहा वहां पर। गैस के आगे, एक मिनट, गैस ही इज गॉन ओवर, गैस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताफ टू गेट गैस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताफ टू गेट अ शेव। वेल इफ ही कम, दैट्स वाला टॉपिक खत्म ही ऑलमोस्ट। बस एक चीज और समझ लीजिए, इसको इन सब सेंटेंस को बनाने के एक मेथड और होता है लेट्स वालों का। फॉर एग्जांपल ये लिखा है, ये सेंटेंस दिख रहा है आपको, ही सेड लेट अस रन अवे फ्रॉम हियर, ठीक है सर। सेंटेंस। हाँ, तो देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या बना हुआ है, पढ़िए। क्या इसका इनडायरेक्ट क्या बना हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है इसका डायरेक्ट, ही इनडायरेक्ट सजेस्टेड दैट वी शुड रन अवे फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर। फ्रॉम देयर, तो ये सिंपल मेथड जो आपने कल सीखा है, कल परसों है ना, तो वही मेथड है। इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं, इसके बाद लिखा है, देखिए जो आपने पढ़ा है उसके बाद लिखा हुआ है। ही सजेस्टेड रनिंग अवे फ्रॉम देयर, यस, ये ऐसे भी बन सकता है। He suggested running away from there. इसमें हमने क्या किया, हमने लेटस को हटाया, ठीक है, क्या हटा दिया हमने, लेटस लेटस को हटाया, और जो रन है, रन लेटस के बाद रन लिखा हुआ है ना, रन में हमने लगा दी आईएनजी, जीरेंड में चेंज कर दिया उसको, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी हमने, ठीक है। फिर क्या हो गया, ही सजेस्टेड और दैट नहीं आएगा आप, सजेस्टेड रनिंग अवे फ्रॉम हियर का देयर हो गया। जैसे एक सेंटेंस है आपके सामने, पढ़िए, शी सेड वाला। शी साइड टू अमित, लेट अंकित सिट है देयर। ना, ये नहीं, इसके इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, शी साइड लेट स्विम। हाँ, उसने कहा आओ तैरें, आओ तैराकी करेंगे, तो क्या इसका बना देखना,
suggested swimming. She suggested swimming or she proposed swimming? इसको आप वैसे भी बोल सकते हैं she suggested that we should swim. वैसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं. समझ गए? Yes sir. एक सेंटेंस है उसको ट्राई करिए मैं बोल रहा हूँ ऐसी ओरली चेंज कर दीजिए उसको. You said let's fight. You suggested fighting. Okay. Yeah, you suggested that we should fight. ऐसे भी कह सकते हैं. Understood? Yes, sir. अभी जो फाइट वाला है ये एक तरह से और बन सकता है ये स्पेशल केस है इत्तेफाक से आ गया सेंटेंस दिमाग में इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं यू चैलेंज्ड अस टू फाइट यू चैलेंज्ड मी टू फाइट यू चैलेंज्ड अस टू फाइट यू चैलेंज्ड टू फाइट ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये चैलेंज है ना आप किसी से कह रहे हैं कि लेट अस फाइट और लड़ते हैं ये चैलेंज भी हो गया तो उसको हम सेंस के अकॉर्डिंग ऐसे भी कह सकते हैं यू चैलेंज्ड टू फाइट तुमने चैलेंज किया फाइट करने का ये स्पेशल सेंटेंस है समझ गए यस सर ओके तो ये कई तरह से सेंटेंस बन सकते हैं अच्छा ये अभी लिखा है आई सेड टू हिम लेट कृष्णा गो होम इसको पढ़िए पढ़ो आई सजेस्ट Let Krishna go home. I told him to let Krishna go home. तो इसमें हमने suggested क्यों नहीं किया? Told क्यों हो गया यहाँ पे? Yes. सर वो होगा यहाँ पे सिर्फ लेट है सर लेट्स नहीं है सिर्फ वो कृष्णा को बता रहा है यस 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 यहाँ पे लेट्स नहीं है यहाँ पे ये नहीं कि हम दोनों इस काम को करें यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्णा को घर जाने दो सिर्फ इतना लिखा हुआ है यहाँ तो ये सिंपल इम्परेटिव की तरह बन जाएगा आई टोल्ड हिम टू लेट कृष्णा गो होम मैंने उससे कहा कृष्णा को घर जाने देने के लिए ऐसी ये वाला है she said to Amit let Ankit sit there usne Amit se kaha Ankit ko wahan baithne do so she told Amit to let Ankit sit there to ye aise sentence isme let ho let us na ho unko hum to se connect kar dete jaise baaki imperative aapne banaye the to se connect kiye the aapne ye next padhiye kya likha hai She said to Amit, let Ankit sit there. Yes, नीचे वाला. हाँ नीचे वाला इसमें. He said to the boy, do not touch anything in my absence. उसने लड़के से कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी अनुपस्थिति में कुछ भी मत छूना. Do not touch anything in my absence. तो यहाँ पे ordered भी हो सकता था. He ordered the boy not to touch anything in his absence. यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड भी हो सकता है He instructed the boy not to touch anything in his absence. Okay, समझ गया आपने? Yes, sir. हाँ. So he instructed the boy. तो बहुत सारे हैं इसमें ये सब प्रैक्टिस किया है आपसे जब आपने बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप तभी कर पाएंगे तो he instructed the boy not to touch anything in his absence. Okay. So अच्छा इसको हम fall back से भी बना सकते हैं देखिए लिखा हुआ है he forbade the boy to touch anything in his absence. यहाँ पर forbade का meaning क्या होता है मना कर दिया मना कर दिया जो फॉल बेट है वो फॉल बेट की सेकंड फॉर्म होती है
फॉर वेट, वो फॉर बिड की सेकंड फॉर्म होती है, फॉर वेट, फॉर बिड, फॉर बेड, फॉर बिडिन, फॉर बिडिन थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ नॉट क्यों नहीं आया श्रेयांश? सर फॉर वेट का मीनिंग ये होगा ना, फिर मना कर दिया। हाँ मना कर दिया, तो मना मना में ना आ गया ऑलरेडी, मना में ऑलरेडी ना है, इसलिए नॉट की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस लिखो कहीं पे, मैं उसको चेंज करो, मैं बोल रहा हूँ आपको इसको। She said to the child, comma, inverted commas, do not sit here. She said to the child, comma, inverted commas, do not sit here. Yes, do not sit here. She forbid the child to sit there. She forbid the child to sit there. इसको told से बनाना। Told से told से मतलब टोल्ड से कैसे वाला? ओके फॉरवर्ड लगाया आपने, वहां फॉरवर्ड की जगह टोल्ड से बना दीजिए। शी टोल्ड चाइल्ड नॉट टू सिट देयर। करेक्ट, शी टोल्ड द चाइल्ड नॉट टू सिट देयर, और शी फॉरवर्ड द चाइल्ड टू सिट देयर। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। ओके राइट, देखिए ये आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस थे। पहले आप एक काम करिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ना कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। सर ऑप्टेटिव कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव होते हैं किसी से कोई प्रार्थना, मतलब ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, मन की इच्छा होती है, आशीर्वाद, इस तरह के वाक्य, जैसे आपकी उम्र लंबी हो, may you live long, may God help you, may God bless you, may God help us, ऐसे सेंटेंस। तो यहाँ से ना ये स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो इंपरेटिव सेंटेंसेस। हो गया सर? हाँ Yeah. Okay. एक मिनट। हो गया ये भी। हो गया। हो गया सर। सभी हो गया सर, ठीक है, बाकी कल करते हैं। ओके सर। ओके थैंक यू सर। हैव अ गुड डे सर। ओके हैव अ गुड डे। वेलकम।